हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया की लॉन्गेस्ट राजधानी के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे आपको बताया, इंडिया की लॉन्गेस्ट राजधानी का नाम है त्रिवेंद्रम राजधानी। ये 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल से चलती है, जिसका स्टेशन कोड है TVC, और हजरत निजामुद्दीन आती है दिल्ली, जिसका स्टेशन कोड है HZM। गाइस, अगर ट्रेन की बात करी जाए तो ट्रेन में 19 डब्बे हैं, जिसमें से एक इंजन है, दो जनरेटर कार है, एक पेंट्री है, और 9 3rd AC के कोच हैं, 5 2nd AC के कोच हैं और 1 1st AC का कोच है। तो गाइस, कमेंट करके आप नीचे बताइए आप किस में ज़्यादा ट्रैवल करना चाहेंगे। और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो 1st AC की है 7600, 2nd AC की है 4500, और जो 3rd AC है उसकी है 3400। तो गाइस, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि इंडिया की लॉन्गेस्ट राजधानी है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करती होगी और कितने स्टेशन क्रॉस करती होगी, तो ये 2845 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद पहुंचती है त्रिवेंद्रम से हज़रत निज़ामुद्दीन। और ये त्रिवेंद्रम से चलती है शाम को 7:15 पे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पहुँचती है हज़रत निज़ामुद्दीन 4:55 पे। और जो इसके स्टेशन है वो है 19 स्टेशन ये क्रॉस करती है। और इसकी एक एक खास बात है कि ये 10 स्टेट्स क्रॉस करके आती है। जो 10 स्टेट्स हैं वो है केरला, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और ये आखिरी में पहुंचती है अपनी डेस्टिनेशन हजरत निज़ामुद्दीन दिल्ली। तो गाइस, जैसे कि ये पूरी ट्रेन में LHB कोचेस लगे हैं, और जो इसकी फर्स्ट सर्विस स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 27 ईयर्स एगो 3 जुलाई 1993 पर। तो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।